ब्रिटिश शासन की बंगाल विजय का आर्थिक प्रभाव, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मुगलों के पश्चात आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय और अमेरिकी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जब अंग्रेजों ने पहले पहल बंगाल और भारत पर अपने पांव जमाए। मुगलों के पश्चात आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आश्वासन से शुरू होता है। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को जो मोड़ने का काम किया, वह अंग्रेजों ने बंगाल से ही आरंभ किया और बाद में भारत में उनके पैर जमाए। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। दूसरा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। तीसरा, जिसने नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए। चौथा, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम के साथ अंग्रेजों का लड़े की युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नजीमुद्दौला बंगाल का नवाब बना और यहीं से 1765 से ही बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 में द्वैत शासन की स्थापना की, जो लगभग 1772 तक चला। लियो कर्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। द्वैत शासन के समय बंगाल में 1760 से लेकर के 1767 के बीच में जो रुपयों की वसूली हुई, वह थी 2,24,67,500। इसके पूर्व राजस्व की वसूली मात्र 80 लाख थी। शासन के समय बंगाल में 1770 तक भयंकर अकाल पड़ा। इसके करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। 1772 में कोर्ट डायरेक्टर्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर प्रशासन को का उत्तरदायित्व आगे अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक संपन्न प्रांत बंगाल में अंग्रेजों की शासन की स्थापना हुई और यहीं से ब्रिटिश आर्थिक शोषण के इतिहास का आरंभ माना जा सकता है। धीरे धीरे लगान की दरें और कर के रूप में जो वसूली थी, वह इतनी अधिक हो गई कि उनका प्रभाव हमें अकालों में देखने को मिलता है।
और बहुत एक के बाद एक बहुत से अकाल पड़े। ये अकाल का होना प्राकृतिक विपदा है, लेकिन यह ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी नीति थी उसके प्रभाव के कारण अकालों की जो विभत्सता थी वो बहुत अधिक सामने आई, और इस प्रकार भारत में विशेषकर बंगाल प्रांत में ब्रिटिश आर्थिक शोषण की शुरुआत आरंभ हुई।